माई चैनल इट्स अनदर ब्लॉग एंड इट्स अनदर डे. आप कहीं जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. आई जस्ट वोक अप लाइक एन आवर अगो. मैंने फिर कहा कि अभी मतलब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं करते करते बैठ निकलते निकलते मुझे एक दो घंटे लग जाते हैं. आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेजी हुई हूँ. अच्छा अभी मैं निकली हूँ बेड से और बस मैंने कहा कि मैं फेस वॉश वगैरह करके आई हूँ, फ्रेश होके आई हूँ, तो मैंने कहा बस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. आज इतना कुछ मेरे पास मैंने सोचा है आज मैं करूँगी स्केचिंग या पेंटिंग करूँगी क्योंकि काफ़ी अरसे इतने साल हो गए मुझे नहीं की मैंने. मैंने कहा आज कुछ करते हैं, लाइक मैं फ्री भी हूँ आजकल, तो आज मैं करूँगी पेंटिंग या स्केचिंग ट्राई करूँगी. बहुत बड़े अरसे से नहीं की, कुछ ईजी ट्राई करूँगी. अच्छा खैर अभी तो जाते हैं मम्मा के साथ किचन में, अपना ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फ्रेश सा. इतना हैवी नहीं करूँगी आज, मैं ब्रेड से करूँगी क्योंकि मैंने जो कल मैंने घर हरकत की है ना वो मैंने आज नहीं करनी. तो एवरीवन अभी ये ब्रेड निकालते हैं, तीन स्लाइसेस निकाल लेते हैं इसके, 1, 2 एंड 3. ये मैं एक अंडा भी लेके आई हूँ क्योंकि मैं इसके साथ अपने लिए अंडा बनाऊंगी और ये मुझे थोड़े से टोस्ट जहाँ से जल गए हैं. चलें जी, हियर वी गो विद द ब्रेड. और अब मैं अपना अंडा बनाती हूँ और ये आ गया. अब इस पे डालते हैं हम सॉल्ट. एंड हियर इज माय यमी यमी यमीएस्ट ब्रेकफास्ट. अभी मैं इसको खाती हूँ और फिर हम मिलते हैं, ठीक है. इतना अच्छा वेदर हो रहा है, देखना शाम का टाइम है, मगरिब का टाइम है और इतना अच्छा लग रहा है ना. एंड वी आर गोइंग आउट. गोलगप्पे वाला भी आए हुए हैं बाहर, ऐसे जो रैंडम गोलगप्पे वाले नहीं आ जाते वो आए हुए हैं. ले या नहीं ले? हम इधर आए हुए हैं, नमा को कुछ काम था बस. इधर देखें कितना रश है ईद का, लुक यहाँ पे देखना कितना रश है ना ईद का. अल्लाह, पीपल आर गोइंग क्रेजी. 2 आवर्स लेटर घर. काफी फिर लिया, मम्मा ने कुछ चीजें ले ली और अब हम चलते हैं घर. अब आई एम टायर्ड. ये देखिए गाइस, वो एक लेडी है और वो अपनी बेटी को साथ ना बाइक लेके कहते नहीं क्या स्कूटी पे लेके जा रही है. क्यूट, वर्ल्ड इज चेंजिंग. मैं देखे चादर पहनी हुई है ना, देखे कितना क्यूट लग रहा है. पीछे बच्ची कितनी प्यारी बैठी हुई है, पीछे बच्ची बैठ रही है, ये लोग जा रहे हैं, ईद है, एंजॉय कर रहे हैं. आई लाइक इट, अच्छी खुशी हुई मुझे. ओके गाइस, वी आर बैक होम और बस अब अंदर जाते हैं. हमने लीची ली है और काफी मतलब आजकल उसका सीजन आया हुआ है ना लीची का, तो बंदर चल के वो खाते हैं और अपना बस वही खाते हैं. ओके, मैंने ये लीची को पील किया है और अभी खा रही हूँ, लेकिन बहुत खट्टी है. खट्टी अभी मीठी नहीं है. तो गाइज, आई एम मेकिंग रील्स जो कि मुझसे बनने में नहीं आ रही. मैं कब से लगी हुई हूँ, कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ, कभी अपने बाल सेट करती हूँ, कभी शर्ट चेंज करती हूँ, समझ नहीं आ रही है कैसे बनाऊँ. लेकिन मैंने काफ़ी सारी बना ली हैं एंड यू गाइज कैन वॉच देम ऑन इंस्टाग्राम या मैं यूट्यूब पे भी डालती हूँ. खैर अभी मैं करती हूँ अपनी रील्स पे फोकस क्योंकि अभी इतनी देर में तैयार हुई हूँ, इतनी देर में मैंने बाल आयरन किए. मतलब लाइक लड़कियों को ये काम करना इतना आसान नहीं है जो कहते हैं वीडियोज़ में. लाइक हमें आधा घंटा लगता है, एक घंटा लगता है मुझे बाल आयरन करने में क्योंकि अब लंबे हो गए हैं ना. एक घंटा नहीं, आधा घंटा लगता है. और आधा घंटा लगता है मुझे मेकअप करने में और फिर दो घंटे लगते हैं मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने में. तो आसान नहीं है ये सब, बहुत मुश्किल है. तो हम करते हैं ये, लाइक वी डोंट गिव अप. अच्छा खैर, बहुत मजाक हो गया, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत 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 गंदा है, बहुत गंदा है. अच्छा खैर, अभी क्या कहते हैं, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ फिर वी विल बी बैक. अब बीच में पानी भी पीना है, देखा मुझे पसीने आना शुरू हो गए हैं. ओके गाइस, मम्मा ने बनाई है रात के खाने में भिंडी एंड हियर इज माय लस्सी एंड रोटी. और बस अभी मैं ये खाती हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे स्केचिंग. और मैंने मतलब अभी रात का टाइम मैंने चूज़ किया कि मतलब रात को थोड़ा सुकून होता है इस तरह का ना, तो बस इसलिए अब मैं अपनी बैठ के स्केचिंग करूँगी आराम से. पेंटिंग करने बैठी थी और मैंने ये बनाया है दिस क्यूट लिटिल स्केच. और ये बनाया मैंने बैटमैन का, बेड़ा गर्क कर दिया है. एंड ये बैटमैन नहीं, एंग्री मैन लग रहा है, अजीब देखना. मेरे पास पतला वाला पेंट ब्रश नहीं था तो फिर मैंने ना ऐसे मोटे वाले पेंट ब्रश से इसकी मुंह बनाना था, बट लिप्स बनाने थे
बट वो मूछे लग रही हैं, लाइक मुस्टैश लग रही है इसकी, बट नेवर माइंड. ये क्यूट बना है. आई कैन फ्रेम दिस लाइक इन अ लिटिल फ्रेम, ना क्यूट है ये. बट इसकी मैंने भत मार दी है, बहुत बुरी वाली. ओके, यही वाले पेंट किया मैंने, और दानिया ने देखा, मतलब इतने पेंट्स नहीं इसकी यूज़ किए, ये वाले पेंट्स थे ना, ये वाले तो थे. ये भी मुझे पहले पता नहीं था कैसे करना है, मैंने इनमें पानी डाला ये वो, लेकिन मैंने बना ली फाइनली पेंटिंग. दानी जैसी तो क्लीन नहीं बनी, लेकिन बस बन गई है मुश्किल से. ओके, बट ये क्यूट है. मैंने बताया था ना, मैंने काफ़ी अरसे बाद पेंटिंग की है, इसलिए मेरा ना हाथ खराब हो चुका है, बट कोई मसला नहीं है, आई विल कीप ट्राइंग. ये देखें, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं दोबारा खाना खाने आई हूँ. मैं अपनी भिंडी गर्म करने आई हूँ, और मैंने ना स्केच नहीं किया, पेंट किए हैं, लेकिन मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो पेंटिंग जो है ना मामा के रूम में पड़ी हुई है, और अभी मैं मामा के रूम में नहीं जा सकती क्योंकि शोर होगा और मामा मुझे डांटेंगी, तो इसलिए अब हम भिंडी गर्म करते हैं और मैं खा के फिर मैं सो जाऊंगी. आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. टेक केयर गाइस, बाय बाय.